नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहूनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्सभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते वंदे तो सव सिद्धे तोमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय बाहुड़ मिणमाशुद केवली भणिदम। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव के द्वारा रचित महान परमागम समय सार जी है और इस महान परमागम की प्राणभूत गाथा जिसे गुरुदेव श्री जैन दर्शन का प्राण कहते थे, ऐसी अद्भुत गाथा गुरुदेव श्री के उस पर बहुत ही रसपूर्ण प्रवचनों का लाभ अभी अपन लोगों ने लिया। गाथा का विषय बहुत बढ़िया है। गाथा का विषय यह है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ का कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों न अंगीकार किया जाए, उसके उत्तर में ये गाथा चल रही है। और इसमें कल जो अपनी चर्चा आई थी कि व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है। सब का मतलब क्या होता है कि सब माने व्यवहार, जितने प्रकार का व्यवहार है ना। क्योंकि देखो इधर इधर लिया है व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है और उसके सामने लिया है शुद्ध ने एक ही भूतार्थ होने से, माना व्यवहार ने अनेक प्रकार का हो सकता है, तो शुद्ध ने कितने प्रकार का, कि शुद्ध ने एक ही है वो, क्योंकि बाकी जिनको शुद्ध ने या निश्चय ने की अपेक्षा बात करें तो बाकी जिनको निश्चय ने कहा जाता है वे सब प्रकारांतर से व्यवहार हो जाते हैं। एक परम शुद्ध निश्चय नय अथवा शुद्ध नय वो अकेला निश्चय नय की पाले में बसता है ना। तो यहां पे कहा व्यवहार सब ही अभूतार्थ है, तो सब व्यवहार अभूतार्थ का मतलब क्या, तो इसमें गुरुदेव श्री ने कल के प्रवचन में चार अर्थ व्यवहार के अपने को बताए थे। माने व्यवहार मूलतः दो प्रकार का होता है, एक होता है सद्भूत व्यवहार और एक होता है असद्भूत व्यवहार, है ना। थोड़ा समझना कि सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार, और फिर इन दोनों व्यवहारों के दो दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। इस तरह व्यवहार चार प्रकार का हो गया, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, ठीक। अब यहां पर उपचरित सद्भूत उपचरित असद्भूत व्यवहार ने की शुरुआत कहां से की, तो उन्होंने कहा कि राग को बुद्धि गोचर राग को आत्मा का कहना। तो बुद्धि गोचर राग क्या होता है और अबुद्धि गोचर राग क्या होता है, पहले हम इसे समझ लें कि अपने को जो राग हुआ पर्याय में, तो उसमें जो राग हमारे ज्ञान में पकड़ में आया
कि उस राग को कहते हैं बुद्धिपूर्वक राग। और जिस समय ज्ञान में पकड़ में आने योग्य, मैंने ज्ञान में गोचर होने योग्य राग है, उसी समय ऐसा राग भी है कि जिसकी सत्ता तो विद्यमान है लेकिन हमारे ज्ञान का विषय वो नहीं बना, तो उस राग को बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक राग। ये एक विवक्षा है। कलश टीका में इसकी एक और विवक्षा आई है कि सम्यक के अभिप्राय पूर्वक जो राग होता है, जिस राग में राग के करने का अभिप्राय शामिल हो, कि वो सब राग बुद्धिपूर्वक राग है। और जिस राग में राग के कर्तृत्व का अभिप्राय शामिल नहीं होवे, कि वो सारा राग अबुद्धिपूर्वक का राग है। ये भी एक विवक्षा है जिनागम में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिथ्या दृष्टि, इस दूसरी विवक्षा में कि मिथ्या दृष्टि का सारा राग बुद्धिपूर्वक, चाहे वो ज्ञान में ज्ञात हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, और ज्ञानी का सारा राग अबुद्धिपूर्वक। क्यों अबुद्धिपूर्वक? क्योंकि राग करने का अभिप्राय नहीं है। तो चाहे वो ज्ञान में ज्ञात हो रहा हो चाहे ज्ञान में ज्ञात नहीं हो रहा हो, ज्ञानी का सारा राग अबुद्धिपूर्वक। ये भी एक शैली कलश टीकाकार राजमल जी साहब ने लिखी है। लेकिन यहां जो शैली है, यहां शैली वही है कि जो राग ज्ञान में ज्ञात होता है वो बुद्धिपूर्वक, और वो राग, उस राग को आत्मा का कहना, ये हुआ उपचरित असद्भूत व्यवहार में। क्यों उपचरित असद्भूत व्यवहार में? क्योंकि राग की सत्ता आत्मा में नहीं है। राग आश्रव तत्व है, राग जीव तत्व नहीं है। तो एक तत्व की सत्ता को दूसरे तत्व में मिला करके कहना, आ गया समझ में? जैसे दो द्रव्यों को मिला करके कहने का नाम व्यवहार है कि नहीं, है ना? कि ऐसे एक तत्व को दूसरे तत्व में मिला करके कहना कि इसका नाम व्यवहार। तो अब व्यवहार के दो भेद करने हैं, असद्भूत व्यवहार के दो भेद करने, और असद्भूत है माने उसकी सत्ता आत्मा में नहीं, आत्मा में नहीं है माने त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, ये ध्यान देना। पर्याय में भी नहीं है ऐसा मत मान लेना, है ना? ये भी आजकल बहुत बड़ा वो चलता है चक्कर। देखो एक चीज समझो, जिनागम की शैली को समझना कि द्रव्य स्वभाव में नहीं है तो उसको पर्याय में भी नहीं है ऐसा मत मानना, और पर्याय में है इसलिए द्रव्य स्वभाव ऐसा हो गया ऐसा भी मत मानना। नहीं तो प्रवचन सार में एक और गाथा आई है 189 गाथा, उसमें लिखा आत्मा राग का करता है, आत्मा राग का ही करता है, यही पुण्य पाप रूप द्वेत है ना, आत्मा राग का ही भोगता है ना। और उन्होंने क्या लिखा कि ये शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय है। अब समझ लो इसका अर्थ, राग का करता शुद्ध द्रव्य कह रहे हो, कि वहां शुद्ध द्रव्य का अर्थ अलग है। वहां शुद्ध द्रव्य का अर्थ क्या, कि अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा वाला द्रव्य, जिसमें पर की मिलावट बिल्कुल नहीं है। तो पर से भिन्न करने के लिए अपना द्रव्य गुण पर्याय वो शुद्ध रूप से अपना द्रव्य है। शुद्ध रूप से अपना द्रव्य माने उसमें किसी पर की मिलावट नहीं है। अब कोई कहेगा देखो ये भी शुद्ध द्रव्य का स्वरूप निरूपण स्वरूप निश्चय है, तो हम तो इसी शुद्ध द्रव्य का आश्रय करेंगे। कौन से शुद्ध द्रव्य का विवेक जी, कौन से शुद्ध द्रव्य का है? कि जिसमें वो राग का कर्ता वाला शुद्ध द्रव्य का, भैया वो प्रमाण का द्रव्य है। प्रमाण का द्रव्य कभी श्रद्धा का विषय नहीं होता। क्या प्रमाण का द्रव्य कभी श्रद्धा का विषय नहीं होता? अभी हमारे यहां एक चर्चा चली थी बहुत अच्छी, प्रवचन सार की चर्चा चली थी। बहुत भ्रम है वास्तव में कि देखो प्रवचन सार में उत्पाद वे द्रव्य को अंश कहा ना, तो वस्तु के तीन वस्तु मतलब उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है, तो ये उत्पाद वे द्रव्य तीनों को पर्याय कहा वहां पे, पर्याय माने भेद। तो उत्पाद भी एक अंश, वे भी एक अंश, और ध्रुवता भी एक अंश, और इन तीनों में जो पदार्थ है उसका नाम वस्तु। तो मैंने कहा गजब हो गया है, उत्पाद अंश वे अंश ये तो स्वीकार कर ले, ध्रुव अंश ये स्वीकार करने में तो पसीना छूटे ना अपने को, तो है अपन तो मुमुक्षु लोग हैं। तो उसमें कहा कि भैया ये प्रमाण की अपेक्षा कथन है,
प्रमाण की ओर से देखोगे तो ध्रुव भी एक अंश है, और श्रद्धा की ओर से देखोगे तो ध्रुव अंश नहीं अंशी है। आ गया, क्यों? क्योंकि शुद्ध नय का विषय है वो, और नय का विषय वो अंश नहीं होता, वो पूरा होता है। तो अभी मैंने कहा अभी ये तो चक्कर हो गया, अभी दो तरह के ध्रुव हो गए अपने सामने। तो एक तो प्रमाण वाला ध्रुव हो गया, है ना, प्रमाण वाला ध्रुव हो गया ना, उत्पाद वे ध्रुव मय वस्तु, तो उसमें अंश रूप ध्रुव के एक तो वो ध्रुव है, और एक त्रिकाली ध्रुव जिसको अपन दृष्टि का विषय बोलते हैं। तो मैंने कहा ये जो नय का ध्रुव दृष्टि का विषय है कि प्रमाण का ध्रुव दृष्टि का विषय, ये बताओ। ये चर्चा चली कि प्रमाण का ध्रुव दृष्टि का विषय है कि नय का ध्रुव दृष्टि का विषय है, कि प्रमाण का ध्रुव कभी दृष्टि का विषय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रमाण का ध्रुव उत्पाद वे निरपेक्ष नहीं है। समझ में आ गया नितिन जी क्या कहा? प्रमाण का ध्रुव होता है ना, वो उत्पाद वे निरपेक्ष नहीं है, उसमें उत्पाद वे की सापेक्षता है, वो अंश रूप में लिया है वहां पे। और शुद्ध नय का विषय भूत जो ध्रुव है, शुद्ध नय का विषय भूत जो ध्रुव है, उत्पाद वे निरपेक्ष है, क्योंकि उसका शुद्ध नय का विषय नहीं है उत्पाद वे, उसका विषय तो एक त्रिकाली ध्रुव पदार्थ है, तो उस उसकी वो उसका अंश नहीं है, अंश ही है। और सम्यक दर्शन उस शुद्ध नय के विषयभूत ध्रुव का आश्रय करने से होता है, प्रमाण के विषयभूत ध्रुव के आश्रय से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। आई बात समझ में? क्योंकि वो निरपेक्ष नहीं है, प्रमाण के विषय की, प्रमाण के विषय वाला ध्रुव लिया ना, तो प्रमाण में तो उत्पाद वे भी आया, तुम अकेले ध्रुव की सत्ता कर ही नहीं सकते। क्या कहा? प्रमाण के विषयभूत ध्रुव को लोगे तो प्रमाण का विषयभूत ध्रुव वो तो उत्पाद वे की सापेक्षता सहित है वहां पर, तब ना प्रमाण का विषय पूरा होगा। आया समझ में? ये बहुत गहरा, बहुत समन्वय जैसा विषय। हम ध्रुव ध्रुव के नाम पर चक्कर में तो आ जाते हैं बहुत, क्या ध्रुव दृष्टि का, लेकिन ध्रुव कौन सा ध्रुव? उत्पाद वे सापेक्ष या उत्पाद वे निरपेक्ष, प्रमाण का विषय या नय का विषय, है ना, ये है दृष्टि का विषय। यहां से निकला ये 11 नंबर की गाथा में कहा ना, शुद्ध नय के आश्रय, शुद्ध कहा ना, व्यवहार नय अवतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा, कि शुद्ध नय भूतार्थ है, और भूतार्थ का जो आश्रय लेता है, तो शुद्ध नय भूतार्थ माने क्या मतलब, कि शुद्ध नय जिस ध्रुव त्रिकाली को विषय करता है वो त्रिकाली ध्रुव भूतार्थ है, और उस भूतार्थ त्रिकाली ध्रुव का आश्रय कहो, शुद्ध नय का आश्रय भी अभेद की दृष्टि से कह दो, नय और नय के विषय को अभेद करके कहे तो उसका आश्रय कहो, एक ही बात है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। गजब की चर्चा है, ये रहस्य हैं जो गुरुदेव की वाणी में आपको मिलेंगे। देखो तो यहां क्या कहा कि व्यवहार ने सभी अवतार्थ में क्या लिया, कि पहला प्रकार का व्यवहार क्या लिया, कि बुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहना उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है, अबुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहना, कौन से राग को, अबुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहना, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। चलो ये तो हो गया, अब सद्भूत में क्या लें, उपचरित में, तो उन्होंने कहा कि राग का ज्ञान, तो ज्ञान तो अपना है, और अपने ज्ञान को राग का ज्ञान कहना, ज्ञान तो खुद का है, ज्ञान किसका है, आत्मा का है ना, और अपने ज्ञान को हम क्या कह रहे हैं, राग का ज्ञान। तो ये हो गया उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, क्योंकि है तो ज्ञान अपना, लेकिन उस अपने ज्ञान पर हमने राग का उपचार कर दिया। और एक हुआ अनुपचरित असद, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, वो क्या हुआ कि ज्ञान सो आत्मा, ऐसा भेद किया अपन ने, ज्ञान सो आत्मा ऐसा भेद किया, तो वो हो गया अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, मैंने हमने उसमें पर का उपचार नहीं किया, इसलिए अनुपचरित। पर एक ही द्रव्य में सद्भूत, इसलिए कि ज्ञान अपने में है, और व्यवहार इसलिए कि एक अभेद द्रव्य में भेद किया, और भाव सुख ज्ञान का अंश होने से नहीं आ गया। तो वो कह रहे हैं कि ये चारों ही व्यवहार अभूतार्थ हैं,
यानी अंतिम व्यवहार, चारों में से अपन अंतिम व्यवहार ले में, कि ज्ञान सो आत्मा। अरे जब ऐसे ऐसा भेद भी सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, ऐसे भेद के लक्ष्य से भी विकल्प उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता, तो बाकी के व्यवहारों की तो बात ही कौन करे, वो तो अपने आप ही हो गए। तो इसलिए क्यों, क्योंकि वह अविद्यमान असत्य और अभूत अर्थ को प्रकट करते हैं, मैंने ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है जैसा वो बताते हैं। ज्ञान सो आत्मा, क्या आत्मा में ज्ञान में भेद है? राग वगैरह की बात तो उसमें समझ ही लेना, बराबर है। और शुद्ध ने एक ही भूतार्थ है, क्यों शुद्ध ने एक ही भूतार्थ है, कि भेद किए बिना उपचार किए बिना, दो ही तरह के हैं ना, शुद्ध ने माने क्या, कि भेद और उपचार का निषेध करे उसका नाम शुद्ध ने। उपचार माने जैसे राग को आत्मा का कहना, ये उपचार का नहीं है, उपचार नहीं है ये, माने असद्भूत व्यवहार है ना, कि वो असद्भूत व्यवहार वो उपचार में जाता है और सद्भूत व्यवहार वो भेद में जाता है। और शुद्ध ने कैसा है, कि शुद्ध ने भेद और उपचार दोनों का निषेध करता है, दोनों का निषेध करता है माने अपने को स्थापित करता है तो दोनों का निषेध हो जाता है। ये है शुद्ध ने एक ही, शुद्ध ने कितने, एक ही, क्यों एक ही, कि उसका विषय भी एक ही, विषय भी एक और विषयी भी एक। विषय कौन उसका, एक त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा, जिसको नियम सार में परम पारनामिक भाव कहा, कारण परमात्मा कहा, छठी गाथा में गायक भाव कहा, यहां भूतार्थ स्वभाव कहा, सामान्य स्वभाव कहो, एक रूप स्वभाव कहो, सदृश स्वभाव कहो, एक ही बात है, अन्वय कहो, है ना। तो भूतार्थ एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है, ये उन्होंने मूल सिद्धांत तो ग्यारहवीं गाथा में इतना कहना है। और इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि ऐसे, देखो अभी इसको मैं अभी अभी उदाहरण को छोड़ रहा हूं, उसके बाद देखना, हां आगे ना, इसलिए एक ही भूतार्थ है, इसके बाद इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं, क्योंकि जो एक ही भूतार्थ है ना, तो इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है, है ना। ये वाक्य यहां पूरा हुआ, बीच में आचार्य ने दिया दृष्टांत। अभी दृष्टांत को अपन पढ़ते हैं, दृष्टांत में भी एक एक लाइन में मर्म है, जैन दर्शन का प्राण ऐसे ही नहीं कह दिया इस गाथा को, है ना। तो देखो इसमें कहते हैं कि देखो जैसे इसमें लिया कि इस बात को दृष्टांत के द्वारा समझाते हो, दृष्टांत बिल्कुल अपने लोक जीवन में काम आने वाला दृष्टांत, समय सार के दृष्टांतों की स्टाइल अगर आप देखें तो समय सार में जल का दृष्टांत देंगे, समय सार में घड़े का दृष्टांत देंगे, कपड़े का दृष्टांत देंगे, सोने का दृष्टांत देंगे, मतलब दृष्टांत भी ऐसे कि जो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग आते हों। क्यों, क्योंकि हम दृष्टांतों से परिचित हैं, तो परिचित से अपरिचित को समझाना है, सिद्धांत समझा देते हैं। तो वो यहां पे कह रहे हैं जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका एक सहज निर्मल भाव तिरोभूत माने आच्छादित तो हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष। देखो दृष्टांत क्या दिया कि जल में प्रबल कीचड़ के मिलने से, जल में प्रबल कीचड़ के मिलने से क्या हुआ कि जल का एक सहज निर्मल भाव तिरोभूत हो गया। तिरोभूत हो गया माने, गुरुदेव ने दृष्टांत उत्तर दिया था कि तिरोभूत हो गया माने आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा, जल तो जल है, जल ना तिरोभूत होता है और ना आविर्भूत होता है। जल की अपेक्षा से देखो तो मलिनता के संयोग में हो तो भी जल पूरा का पूरा निर्मल है, और निर्मल हो तब भी जल निर्मल है, ना वो आच्छादित होता ना वो आविर्भूत होता, ना वो ढकता और ना वो खुला होता, जल तो जल है, है ना। तो क्या कहते हैं कि जिसका एक तिरोभाव आच्छादित हो गया, आच्छादित हो गया माने
जिसको वो जल का स्वच्छ स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा। फिल्टर प्लांट वालों को तो मलिन जल में भी निर्मल जल के दर्शन होते कि नहीं होते, और अगर मलिन जल में निर्मल जल के दर्शन नहीं होते तो फिल्टर प्लांट काहे को लगाते हो। आजकल कतक फल का जमाना तो रहा नहीं, तो अपन अमरचंद्र आचार्य के दृष्टांत को थोड़ा फिल्टर प्लांट से समझ ले, है कि नहीं? फिल्टर प्लांट क्यों लगाते हो? इसीलिए लगाते हैं, उनको पता है कि ये गंदगी जल में गई ही नहीं है, गंदगी जल के साथ है लेकिन जल नहीं है। जल के साथ होना और जल हो जाना अलग चीज है। अगर वो गंदगी जल हो गई होती तो गंदगी को कभी आप जल से अलग नहीं कर सकते थे, और अगर गंदगी को जल से अलग कर सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गंदगी जल हुई नहीं है। तो क्या हुआ कि अज्ञानी को पानी मेला दिखाई देता है और ज्ञानी को मेले पानी में भी पानी स्वच्छ दिखाई देता है, गंदगी तो मेला तो कीचड़ दिखाई देता है उसे, कि गंदगी गंदा तो कीचड़ है, पानी का गंदा है। और जब ये भरोसा है तो कतक फल डालता है या जो भी फिल्टर प्लांट का उपयोग करता है, जो भी करता है, और वो अपना निर्मल जल को पी लेता है ना। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, कौन से पुरुष? के जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, जिनको दोनों का भेद नहीं पता है ना, नहीं करने वाले, नहीं समझने वाले। बहुत से तो देखो बहुत से लिया है, क्यों? क्योंकि अज्ञानियों की संख्या हमेशा ज्यादा ही रहने वाली है, ये आचार्य कह रहे हैं। बहुत से लिया इसलिए है ना, मैं तो कभी कभी ऐसा बोलता हूं, मैं कहा निगोदिया में सिद्धों में टक्कर कराऊं, चुनाव का माहौल है ना देश में अभी है, तो निगोदिया में और सिद्ध भगवानों को दोनों को चुनाव लड़ाऊं, तो भाई साहब सिद्ध भगवान की जमानत भी नहीं बची। सच्ची है ये बात, क्यों नहीं बचेगी पता है? क्योंकि निगोद का एक शरीर आज तक खाली नहीं हुआ भाई साहब, एक निगोद शरीर में कितने जीव, कि तीनों काल के जितने सिद्ध उससे अनंत गुणे जी। आप पढ़ो चर्चा शतक ध्यानत राय जी की। तो अज्ञानियों का बहुमत तो हमेशा अधिक रहने वाला है। मैं बताऊं मोक्ष में कितने जीव जाते हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जी, और निगोद कितने जाते होंगे? जो निगोद में है वो तो ठीक है, लेकिन 6 महीने 8 समय में निगोद कितने जाते होंगे? कि भगवान कहते हैं कि भैया अनंत जाते हैं, संख्या हम भी नहीं बता सकते, हमें भी यही कहना पड़ेगा कि अनंत जाते हैं। क्या दम है? तो बहुत से जीव, बहुत से तो उस जी जल को मलिन ही अनुभव करते हैं, है ना, किंतु कितने ही, कितने ही का मतलब आ गया ना संख्यावाचक है, अंगुलियों पर गिनने लाए गए आप सोच लो। अरे अपन ऐसे लो, वो तो छोड़ो, अनुभव करने वाले की बात तो छोड़ो, सुनने वाले कितने अभी तो देखो ना, दिल्ली में कितने लोग, अपने दिल्ली का हिसाब लगाओ कि दिल्ली में कितने लोग, 5-7 करोड़ की आबादी तो होगी आगे, हैं 1.5 करोड़ की है, 2 करोड़ होगी, चलो कोई बात नहीं। अब 2 करोड़ की आबादी में जैन कितने होंगे? 50,000 तो होंगे, होंगे जैन 1 लाख मान लो, 2 लाख मान लो, उन जैनियों में दिगंबर कितने, दिगंबरों में तेरापंथी कितने, तेरापंथियों में कहलाने वाले मुमुक्षु कितने, और मुमुक्षुओं में सुनने वाले कितने, और सुनकर के इसको अंदर में विचार करने वाले कितने, और विचार करके प्रणमन करने वाले कितने, लगा लेना हिसाब भाई साहब। हमेशा सत्य की संख्या कम ही रहेगी, क्यों? गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे कि भाई साहब हीरे की दुकान गांव में शहर में एक आध होती है, और कोयले की दुकानें कदम गली गली में होती है, लाखों मण कोयला ढोया जाए तो भी मुश्किल से 100-200 रुपए मिलते हैं, है ना, और हीरे की दुकान पर महीने में एक ग्राहक आ जावे उसमें उसका साल भर का खर्चा चलता है, चलता है नहीं चलता, स्वाभाविक है, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो यह क्या, कितने ही मैंने थोड़े होते हैं, मतलब कहने का अर्थ यह कि कितने ही जीव, कितने ही, और फिर कैसे, अपने हाथ से डाले हुए कतक फल, इस उदाहरण में भी और सिद्धांत में भी, अपने हाथ से, नौकर से नहीं डलवाया कि तू डालना ना जरा,
कतक फल डालना है, इसमें पानी पीना है मुझे शुद्ध, अपने हाथ से डाले हुए। क्यों? क्योंकि सिद्धांत में स्वयं का पुरुषार्थ सिद्ध करना है, तेरे पुरुषार्थ से होगा। तू किसी से कह दे ये सत्यनारायण की कथा नहीं कि पंडित जी तुम जब देना फल हमें लग जाएगा। समझ में आया नहीं है? ऐसे होता है कि नहीं है? कि आप जपो, हम तो पैसा खर्च कर सकते हैं, आप जपो, नहीं चले ऐसा। स्वयं पुरुषार्थी का धर्म है, स्वयं आत्मसन्मुखता का पुरुषार्थ करेगा। खुद ने कतक फल डाला तो स्वयं के द्वारा अपने हाथ से डाले हुए कतक फल, मैंने जब ये लाइनें पढ़ते हैं ना, गाथा ग्यारह गाथा तो ऐसा है, ग्यारह दिन तक चलेगी ऐसी गाथा है, लेकिन आज अपन पूरा करते हैं इसको समझने का मूल मूल बात इसमें अपन कर लेते हैं। देखो कि अपने हाथ से डाले हुए कतक फल मन निर्मल औषधि के पढ़ने मात्र से, उधर वो निर्मल औषधि पढ़ने मात्र से उत्पन्न जल और कादव के विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए हुए सहज एक निर्मल भाव पने से उस जल का निर्मल ही अनुभव करते हैं। खुद ने पुरुषार्थ करके जल को निर्मल अनुभव करते हैं, ये कह रहे हैं। आ गया? अब ये तो देखो, ये तो हो गया, ये तो दृष्टांत है, अब सिद्धांत पे अपने को वजन देना है। उसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, प्रबल कर्म क्या है जी? प्रबल कर्म है जीव के भाव कर्म, द्रव्य कर्म तो जीव की सत्ता में भी नहीं, द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर लौटते, वो तो जीव विकार करे तो निमित्त बने का आरोप आता है उनपे। तो यहां प्रबल कर्म, अब प्रबल कर्म कहते ही हमारी नजर कहां जाएगी? जड़ कर्मों पर। जड़ कर्म तेरी आत्मा की पर्याय में भी मिले, द्रव्य गुण में तो छोड़, द्रव्य गुण में तो मिले ही नहीं। जड़ कर्म आत्मा की पर्याय में भी मिले? कि जड़ कर्म तो रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण का पिंड है वो तो, और भगवान आत्मा का तो द्रव्य अरूपी, गुण अरूपी, उसकी अरे अविकारी पर्याय तो अरूपी है ही, उसकी विकारी पर्याय भी अरूपी। जड़ कर्म कहां से आ जाएंगे? तो यहां कर्म माने क्या लेना, कर्म माने जीव के भाव कर्म, है ना, कि जिसके लिए आचार्य कहते हैं कि भाव कलंक की प्रचुरता के कारण जीव निगोद वास को नहीं छोड़ता। तो ये जो भाव कलंक हैं कि उस भाव, भाव कर्म माने रागादि भाव, मोह राग द्वेष, है ना, तो कहते हैं कि उसी प्रकार प्रबल कर्म के मिलने से तीव्र मोह का परिणाम चल रहा है, तीव्र राग का परिणाम चल रहा है, तीव्र द्वेष का परिणाम चल रहा है, तो क्या हुआ कि जिसका एक सहज ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है। क्या मतलब? कि अरे भाई उस तीव्र मिथ्यात्व के परिणाम के कारण ज्ञायक भाव दिखाई नहीं देता, तिरोभूत हो गया मतलब उसकी दृष्टि में तिरोभूत हो गया है, उसके ज्ञान में तिरोभूत हो गया है, उसके आचरण में तिरोभूत हो गया है। ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया मतलब किसके लिए? तो उस अज्ञानी के श्रद्धा ज्ञान आचरण में ज्ञायक भाव के दर्शन उसे नहीं होते, तो उसके श्रद्धा ज्ञान आचरण की अपेक्षा से तिरोभूत हो गया ऐसा कहा जाता है। ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है माने ज्ञायक भाव आच्छादित हो गया, ये नहीं। गुरुदेव ने उदाहरण दिया था ना कि जैसे कोई चीज सामने हो और हम आंख बंद कर लें या हमारी आंख बंद हो तो क्या होता है? नहीं होता। लोग वैसे नहीं कहते अरे साहब कल तो, कल कोई कहेगा अरे भैया कल तो बहुत बढ़िया धारावाहिक आया था। कहा भैया देखा तो मैंने भी था लेकिन मेरी तो देखते देखते नींद लग गई और टीवी चलता रहा, सुबह उठा जब मैंने टीवी बंद किया। हो जाता है, नहीं हो जाता ऐसा? देखते देखते नहीं सो जाते अपन कई बार है? और अच्छे अच्छे धारावाहिक निकल जाए, अच्छे अच्छे मैंने उदाहरण दे रहा हूं, मैंने समझना अच्छे अच्छे मतलब ये नहीं है ना, धारावाहिक निकल गए तो बोलो वो धारावाहिक तो चले थे, टीवी पर आविर्भूत भी थे, दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमारी आंख बंद थी नींद से। तो आंख बंद नींद से होने की वजह से टीवी पर वो सारे दृश्य उपस्थित होने पर भी हमारे लिए तिरोभूत हो गए, वो दृश्य तो दृश्य थे। ये है तिरोभूत का अर्थ, ये है, है ना, कि ये मोह की नींद में तू ऐसा सोया है कि तुझे वो क्षति चीज, विद्यमान ज्ञायक पदार्थ, विद्यमान ज्ञायक वस्तु,
तुझे दिखाई नहीं देती है, तो तेरे लिए वो तिरोभूत है। ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव की दृष्टि से न तिरोभूत होता और न आविर्भूत होता, वो तो जैसा है वैसा है। आविर्भूत क्या होना उसको, पर्याय की अपेक्षा तिरोभूत है और पर्याय की अपेक्षा ही आविर्भूत कहने में आता है। ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव, अज्ञानी का भी ज्ञायक भाव तिरोभूत नहीं हुआ और ज्ञानी को भी ज्ञायक भाव आविर्भूत नहीं होता। तो क्या होता है कि अज्ञानी को ज्ञायक भाव दिखाई नहीं देता, इसलिए उसके लिए तिरोभूत कहा जाता है, और ज्ञानी ज्ञायक भाव के दर्शन कर लेता है इसलिए उसके लिए आविर्भूत कहा जाता है। सचमुच में तो ज्ञायक भाव तो दोनों के लिए विद्यमान ही है। आविर्भूत माने ढका हुआ, तो सॉरी आविर्भूत माने प्रकट हुआ, और तिरोभूत माने ढक गया। आ गया, तो देखो क्या कह रहे हैं कि उसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले, कैसे आत्मा और कर्म का भेद ज्ञान नहीं करते, आत्मा और राग का, आत्मा और मोह का भेद ज्ञान नहीं करते, करने वाले व्यवहार में विमोहित हृदय वाले, जिनका हृदय व्यवहार में मोहित हो गया है। आगे लिखा पंडित जी ने खुद गजब का, मैं वो भावार्थ भी पढ़ूंगा अभी। आत्मा को करने वालों को तो उसे, मैंने आत्मा को जिसमें भावों की विश्व रूपता मैंने अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। अनेक रूपता मतलब क्या, राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, पुण्य का परिणाम, पाप का परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम, हिंसा का परिणाम, झूठ का परिणाम, चोरी का परिणाम, कुशील का परिणाम, परिग्रह का परिणाम, दया का परिणाम, दान का परिणाम, पूजा का परिणाम, व्रत का परिणाम, संयम का परिणाम, नियम का परिणाम, अनेक प्रकार के भाव, तो अनेक प्रकार के भावों रूप अपना अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ज्ञायक भाव उनकी दृष्टि में ढक गया। क्यों ढक गया? कि इन्होंने इस राग और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं कर पाए, इस विकार और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं कर पाए, इस कर्म और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं कर पाए। ये कर्म है, मैं नहीं हूं, मैं तो जाननहार तत्व हूं, ऐसा भेद ज्ञान हो जाता तो ज्ञायक भाव आविर्भूति था। मतलब ज्ञायक भाव तो विद्यमान था ही, उस विद्यमान की विद्यमानता हमारी दृष्टि में आ जाए, इसका नाम आविर्भूत। क्या कहा? विद्यमान तत्व की विद्यमानता हमारी दृष्टि में आ गई, इसका नाम ज्ञायक भाव आविर्भूत हुआ, ऐसा कहा जाता है। और विद्यमान तत्व की विद्यमानता दृष्टि में नहीं आना, इसका नाम ज्ञायक भाव की तिरोभूतता कही जाती है। विद्यमान तत्व तो विद्यमान ही है, ये कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने लिए घर में कोई चीज बनी हो, है ना, और चीज बनी हो तो काय में उसको किसी में ढक करके रखते हैं ना, और अपने को तेज भूख लगी और अपन ने कहा मां से या पत्नी से किसी से भी कहा कि भाई लाओ फटाफट, तो उनने वो कोई काम में लगी हुई मान लो, उनने कहा कि वो किचन में रखा है वहां से ले लो, तो हम क्या कहते हैं, हमें तो दिख ही नहीं रहा कहां किचन में रखा है, अरे सामने ही तो रखा है, कि कहां रखा है सामने, तो वो वहां से बोल देती है कि वो डिब्बा रखा है और उस डिब्बे में वो चीज रखी है, और वो डिब्बा हमने हाथ में लेकर के घूम रहे थे, हमें तो दिखाई नहीं। बोलो चीज विद्यमान है, उनको वहां से दिख रही है, हमें यहां भी नहीं दिख रही, आया कि नहीं आया, ऐसा है जरूर, वस्तु तो वस्तु है। देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, इसलिए कहा कि किंतु भूतार्थ दर्शी मन शुद्ध नय से देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा और कर्म की विवेकता। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपने ज्ञान की प्रज्ञा का प्रयोग करो, तो शुद्ध नय का कतक फल डालो भेद ज्ञान का, तो क्या होगा कि कर्म और आत्मा भिन्न दिखाई देंगे। तो अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, दूसरों का पुरुषार्थ काम नहीं आएगा, है ना, कि भगवान करा देंगे, शास्त्र करा देंगे, गुरु करा देंगे, अरे वो तो कराएंगे ही नहीं, कि साहब मैं आत्मा के लिए इतना शुभ भाव करूं तो वो शुभ भाव मुझे करा देगा आत्मा के दर्शन,
है ना, तो शुभ भाव आत्मा के दर्शन कराएगा वो ठीक है। ऐसा ही है कि हिंदुस्तान की सेना की सुरक्षा पाकिस्तान के सैनिक करेंगे, अब ऐसा है भैया, समझ में आया कि ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। शुभ भाव तो करेगा कि नहीं, कुछ तो मदद करेगा, हां मदद करेगा तेरे को काय में कि संसार में भटकाने में, सोच लेना भैया, है ना। तो ये कोई नहीं कराएगा, तुझे अपने पुरुषार्थ से करना पड़ेगा, समझ में आ गया। अपने पुरुषार्थ के द्वारा आविर्भूत किए गए एक और एक ज्ञायक भाव के कारण, सहज और एक ज्ञायक भाव के कारण उसे मैंने आत्मा को जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं, है ना। और फिर कहते हैं इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने वाले हैं, इसलिए वे कैसे हैं तो कहते हैं सम्यक दृष्टि है। बहुत गजब की बात कही। ये देखो इसमें जो भावार्थ है वो भावार्थ जरा पढ़ो। इस पंडित जी ने आज के 200 250 300 साल पहले समाज की जिस दुर्दशा का चित्रण किया था, समझ आ गया कितना गजब का। उस जमाने में भी वो स्थिति थी, उस जमाने में भी जीवों को व्यवहार कर पावर चढ़ता था, तो उस जमाने में भी पंडित जी को कितना लिखना पड़ा वो जरा देखो कि यहां व्यवहार नय को अवतार और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान न हो असत्यार्थ हो उसे अवतार्थ कहते हैं। व्यवहार नय को असत्यार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है। मैं एक एक शब्द आपके सामने शास्त्र का पढ़ रहा हूं, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। किसकी दृष्टि में? कि शुद्ध द्रव्य की अगर आप दृष्टि करोगे तो भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए। जो दिखाई नहीं देता, नो दृष्टा, तो दिखाई नहीं देता था, अविद्यमान ही कहना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु नहीं है, है ना, भेद हो ही नहीं वस्तु में, ऐसा नहीं है। भेदाभेद स्वरूप वस्तु है, शुद्ध नय की दृष्टि से भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए भेद को असत्यार्थ कहा। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध होगा और उससे शुद्ध नय सर्वता शुद्ध एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आएगा। इसलिए यहां ऐसा समझना कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है वह प्रयोजनवश नय को मुख्य गौण करके कहती है। प्रयोजन है हमारा, प्रयोजन क्या है? हमें सम्यक दर्शन रूप प्रयोजन की सिद्धि करनी है, तो सम्यक दर्शन रूप प्रयोजन की सिद्धि में किसे मुख्य किया जाए किसे गौण किया जाए वो अपने को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए पंडित जी ने लिखा प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है, है ना। आज की भाषा में चर्चा करें ना तो भेद की भी नहीं, अब तो उपचार और उपचार के भी न जाने कौन कौन से उपचारों का पक्ष पड़ गया है अपन लोगों को। पंडित जी ने तो भेद रूप व्यवहार का ही लिया खाली, अनादि काल से है एक बात, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। सारे प्राणी चर्चा करेंगे, व्यवहार की चर्चा करेंगे, अरे तुम तो निश्चय की बात करते हो, कोई थोड़ी चर्चा करे निश्चय की, अरे तुम तो निश्चय वाले हो, है ना। तो कहते प्राणियों को सर्व प्राणी परस्पर करते हैं, एक दो बात। तीसरी बात, जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंब मैंने सहायक जानकर बहुत किया है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक जीवों को समझाना है, तो व्यवहारिक जीवों को समझाना तो कैसे समझाओगे, व्यवहार की भाषा होगी, भाषा व्यवहार की होगी, भाव परमार्थ का होगा। अब हमने क्या किया कि व्यवहार की भाषा को ही परम उसका भाव मान समझ लिया। भाषा व्यवहार की हो लेकिन भाव परमार्थ का हो कोई आपत्ति नहीं, परमार्थ की भाषा बोली नहीं जाती, परमार्थ का भाव समझा जाता है। तो बहुधा सर प्राणी परस्पर करते हैं परंतु किंतु उसका फल संसार ही है। क्या कहा?
व्यवहार के आश्रय का फल क्या है? संसार। संसार में भटकना हो खूब व्यवहार का आश्रय करो, कर ही रहे हो तो, है ना। और संसार का अभाव करना हो तो व्यवहार का आश्रय छोड़कर शुद्ध ने के विषय भूत जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है कि उसका आश्रय करो भैया तो काम होगा। संसार ही है, शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं। अभी तो लक्ष और दक्ष की बात नहीं कर रहे, क्या कह रहे हैं, शुद्ध नय का पक्ष भी नहीं आया जीव को अभी ना। बाबूजी बोलते थे, सात हाथ का आदमी 72 हाथ का कलेजा हो तब शुद्ध नय के पक्ष में जीव आता है। अभी तो शुद्ध नय की बात आवे तो ऐसा लगता है अरे सब छोड़ दे क्या, फिर कुछ नहीं करना। ये कहते बापू एक बार शांति से समझ क्या करना और क्या नहीं करना, पहले वस्तु को समझ तो सही। शुद्ध नय के पक्ष, शुद्ध नय के विषय की बात आवे तो ये व्यवहार का रस हमें उस बात को समझने नहीं देता। लेकिन ये तो चाहिए ना, गुरुदेव श्री बोलते थे ना आत्मा की प्राप्ति की बात करते तो बहुत जगह बोलते, तो बोलते थे कि लोग ये सब प्रश्न करते थे गुरुदेव के जमाने में भी कि ठीक है सब आत्मा की प्राप्ति करने की बात तो बराबर है, आपकी बात सही है, कल्याण तो उसी से होगा, लेकिन उसका साधन कि भाई साहब साधन और साध्य भिन्न जाति के नहीं होते, ये समझो पहले। आपका साध्य क्या है? साध्य भीतर आता मैंने पूर्णता साध्य है ना, है ना, तो उसका साधन क्या होगी? अपूर्णता साधन है। अपूर्णता माने वो अपूर्णता बढ़ते बढ़ते साध्य होगी, पूर्णता होगी, ठीक है। तो साधन हो वीतराग, साध्य हो वीतरागता, और साधन हो राग। कि साध्य हो सोने के जेवर और साधन हो लोहे का डला, कड़ा बनाना है सोने का, साध्य वो है हमारा और साधन क्या दे रहे हैं हम कि लो साहब ये लोहे का डला लो और सोने का कड़ा बना के हमको दे देना। राग तो लोहे के कड़े से भी गया बीता है, किस राग को साधन बना रहे हैं हम, है ना। अरे राग को साधन बनाने वाले के जीवन में कभी सच्चा साधन प्रकट ही नहीं होगा, विचार कर लेना भैया। साधक जीव को राग आता है क्यों, कहा ना अभी अपूर्णता है, तो वो अपूर्णता है तो वो अपूर्णता किस में झलकेगी? राग आया तभी तो सिद्धि हुई कि अभी अपूर्ण है ये। राग अपूर्णता को सिद्ध करता है, राग अपूर्णता की प्रसिद्धि करता है। साधक जीव को राग आता है लेकिन राग कभी भी साधन नहीं होता, और जिसने राग को साधन माना उसके जीवन में तो कभी साधन प्रकट होगा ही नहीं, क्योंकि राग को साधन मानना मिथ्यात्व का महापाप है। और राग साधन होता तो अनंत बार हम लोग द्रव्यलिंगी मुनि बने, नौवें ग्रीवक गए, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये दूसरे की बात है कि हमारी बात है? हम गए ना, हाँ? तो बोलो कसाई की मंदता में और शरीर की क्रिया में क्या कमी रही थी उस जमाने में, उस समय? अभी ऐसी शरीर की क्रिया और ऐसा सुख भाव पंचम काल के किसी जीव को नहीं हो सकता। ऐसी शरीर की क्रिया और ऐसा शुभ भाव अनंत बार हमने पालन किया, यदि वो साधन होता अब तक हमारा कार्य क्यों नहीं हुआ? अब क्यों न विचारत है मन से कछ और रहा इन साधन से। सिंह जी ने कहा, यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग अथाग लयो बनवास लयो मुख मौन रहो दृढ़ आसन पद्म लगाई दियो। बहुत सारा उन्होंने गिनाया और फिर बाद में लिखा, यह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। अब क्यों न विचारत है मन से कछु और रहा इन साधन से। ज्ञानियों ने यह पुकार लगाई है और अपन किसका रोना रोते, ऐसा नहीं किया इसलिए तुम्हारे को यह नहीं हुआ, तुम इतना करो ऐसा करना पड़ेगा ऐसा। भाई साहब एक बार स्वभाव की एक लक्ष्य एक धारा से स्वभाव का रस जागृत हो और स्वभाव प्राप्त नहीं हो ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। और स्वभाव का रस जागृत नहीं हो तो तुम चाहे जितने क्रियाकांड के ढेर लगा देना और चाहे जितना सुभाव करके 142 नंबर के कलश में कलश टीका में लिखा
तो मर करके तेरा चूरा हो जाए। बहुत सारी बातें गिनाई उन्होंने, ऐसा करे ऐसा करे। उन्होंने कहा ऐसे कष्ट सहन करते मर करके चूरा होए तो हो जाना, ज्ञान पद की प्राप्ति तो नहीं होगी। पढ़ो तो सब, आचार्यों के संदेश क्या है, ज्ञानियों के संदेश क्या है। क्यों, उनको डर नहीं लगता था कि जीव स्वच्छंदी हो जाएगा? अरे वो कहते हैं मिथ्या दृष्टि से ज्यादा स्वच्छंदी कौन है? अब कौन होगा स्वच्छंदी? क्या स्वच्छंदी होगा? मैं कहा हो जाए, क्या होगा? होगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा, नरक चला जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा बोलो क्या होगा? कि अगर अगर मान लो कि स्वच्छंदी हो जाएगा, लोग ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, मैंने कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, नरक चला जाएगा। नरक के भय से धर्म कर रहे हैं अभी अपन, है ना? नरक गया तो क्या होगा? मैंने कहा स्वर्ग जाने से ज्यादा बढ़िया है नरक चले जाओ। आपको हजम नहीं होगी ये बात किसी को भी, लेकिन सच बोलता हूं, क्योंकि नरक में जाने पर अभी दो चांस तुम्हारे हाथ में कम से कम और शेष है सम्य दर्शन के, और सम्यक। और स्वर्ग में भी गए ना तो भैया मर के भय पेड़ पत्तियां, नरक से निकल करके कोई जीव नियम से पेड़ पत्ती तो नहीं होता, और स्वर्ग से निकल करके पेड़ पत्ती भी हो जाएगा। बोलो अभी नरक जाना, नरक से डरते क्यों? संसार में जब भटकना है तो नरक में भटको के साथ स्वर्ग में भटको, क्या फर्क पड़ना है उससे? लेकिन जीव को विषयों का प्रेम है, इसलिए नरक की अपेक्षा इसको स्वर्ग अच्छा लगता है। अगर स्वभाव का प्रेम होता तो मैं कहता हूं स्वर्ग से भी नरक भी कोई बुरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वर्ग में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और नरक में भी प्राप्त कर सकता है, और सच कहूं तो स्वर्ग से भी एक चांस नरक में और ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो डंडे पड़ते हैं ना तो धर्म ज्यादा जल्दी याद आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए अपने आराम की व्यवस्था मत करो, अगर डंडे पड़ते हैं तो डंडे पड़ करके भी सम्यक दर्शन ले लो, ये कहकर के कोई पाप की प्रेरणा नहीं दी जा रही है। लेकिन ये समझो कि जो हमें पुण्य और पाप में अंतर दिखाई देता है, और जो पाप में नहीं किंतु पुण्य में जो रस है, वो सच में पुण्य का रस नहीं है, वो पुण्य के फल में प्राप्त होने वाली विषय कषायों का रस है, और विषय कषायों का रस है वो परंपरा पाप का रस है। सोचो जरा, ऐसी थोड़ी कह दिया उन्होंने, हैं? क्या लिखा कि बहुत किया, शुद्ध न्याय का पक्ष तो कभी आया नहीं, और इसका उपदेश भी क्या है? विरल है, विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है, मैंने जिनवाणी में भी बहुत कम जगह मिलेगा। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने, है ना, शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से किया है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, तब तक आत्मा का ज्ञान सद्दान रूप निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आया ये नैरोबी का इस गाथा पर एक ही प्रवचन है, क्या है? गुरुदेव को वहां पर 26 दिन गुरुदेव रहे थे, और लोगों ने वहां पर कहा था साहब हमें इतनी इतनी इन इन गाथाओं पर आपके आपका प्रवचन सुनना है, है ना? तो उन उन गाथाओं पर गुरुदेव ने एक सैंपल रूप में वहां पर प्रवचन किए थे। आज बोल भी रहे थे गुरुदेव कि भाई सोनगढ़ में तो ये बात कायम चलती है, और वहां तो रामजी भाई जैसे सुनने वाले मगजदार आदमी हो, सब वो गुरुदेव बोल भी रहे थे, है ना? तो ये जो नैरोबी के प्रवचन है, ये नैरोबी के प्रवचन तो एक सैंपल है, समझ में आ गया? लेकिन यदि अपनी आत्मा का हित करना हो, सत्य वस्तु स्वरूप को समझना हो, जिनवाणी के मूल रहस्यों को जानना हो, आचार्यों और ज्ञानियों के हृदय को यदि समझना हो, तो आज से ही ये प्रतिज्ञा कर लेना कि जिन मंदिर में, घर पे तो आप करते हैं वो बढ़िया बात है, लेकिन सामूहिक रूप से जिन मंदिर में प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव श्री की इस मंगलवाणी का जो हमारे महान सौभाग्य से अपन लोगों को उपलब्ध हुई है, है ना, इन इस वाणी का आप श्रवण करें, विद्वान
उस पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करें, उसमें जो बिंदु आपको समझ में नहीं आवे वो आप उन विद्वानों से समझिए कि गुरुदेव ने ये बात कही, उसको हमें कैसे समझना और आज समझने में कोई कठिनाई नहीं है। ये ऑडियो ये इस तरह के प्रवचन हैं, सब टाइटल वाले प्रवचन हैं जिसमें गुरुदेव के फोटो आएंगे, शाम को चलते हैं, नीचे अक्षर आ रहे हैं। ये भी नहीं मिले तो अभी जो ग्रंथ चल रहा है उस ग्रंथ की पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, तो उस पीडीएफ फाइल में गुरुदेव जो बोल रहे हैं वो लाइनें आप वहां पढ़ सकते हैं। कोई चीज सुनकर के समझ में नहीं आए तो पढ़कर के समझ में आएगी, किसी तरह नहीं समझ में आने का कोई कारण नहीं है। और कल मैंने कहा था कि 15 दिन आप जिद करके बैठ जाओगे मुझे समझना है, मैं भी गुरुदेव को चैलेंज कर दो, क्या चैलेंज कर दो कि आपकी वाणी मुझे कैसे समझ में नहीं आएगी, मैं भी देखता हूं। इतनी कमर कस के अगर हम तैयार होंगे तो 15 दिन भी अगर निरंतर एक धारा से नहीं समझ में आने पर भी यदि हम इस वाणी को सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे तो ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि 16वें दिन से फिर आपको गुरुदेव की ही समझ में आएगी। 15 दिन आप गुरुदेव को समझने में लगाओ, 16वें दिन से आपको गुरुदेव की ही समझ में आएगी। इतनी अद्भुत रहस्य, एक एक शब्द को पकड़ करके गुरुदेव श्री ने जो अपने को रहस्य उद्घाटित किए हैं, अगर ये वाणी नहीं होती तो आज हम कुंद आचार्य भगवान की इस दिव्य देशना को नहीं समझ सकते थे, नहीं पा सकते थे। ये हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है, आचार्य देव का तो हमारे ऊपर अनंत 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 उपकार है ही, लेकिन उन रहस्यों का उद्घाटन जिनने किया उन गुरुदेव श्री का भी हम लोगों पर अनंत उपकार है। इन सभी ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में वंदन करते हुए इस भावना के साथ हम सभी, ये जो धारा अपन लोगों को मिली है इस धारा में नित्य अवगान करते हुए अपन निरंतर आगे बढ़ेंगे अपनी आत्मा के हित के मार्ग में। ये बात अपनी पूरी हुई अभी।